और मेरे पीछे पीछे अब भी वो लेफ्टिनेंट बन गए, लेकिन मेरे पीछे पीछे फिर हो इन खुद ने ज्ञान गोनी के अपन करनों के है। और उन्होंने बहुत मेहनत किया है, मतलब मैंने उनको स्कूल में काम करते हुए देखा, मैंने उनको खेत में काम करते हुए देखा है। कि मैंने अपने इंटरव्यूअर को भी ये बोला कि यदि मैं अपने मम्मी पापा का, यदि मतलब मम्मी का स्पेशली यदि मैं 50% भी मेहनत कर लूंगा ना, तो मैं से खुश हो जाऊंगा लाइफ में। तो मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ जितना उन्होंने किया। आशीष है ना, शुरू से छोटे बच्चों होने जब छू एकदम बड़े होशियार हो, कैचिंग पावर बढ़िया हो। जब मैं शुरू की कहानी बताऊँ था ना, जब बिल्कुल छोटो सो हो या एक या डेढ़ साल को, जब मैं इन्हें गिनती की एक लाइन सिखाई, जब मैं इन एक सू ले की नौ तक अक्सर सिखाया, और मैं यहाँ कही कि बेटा ये दूसरी लाइन में एक एक आगे लगा दे, दूसरी में दो आगे लगा दे, फिर तीन लगा दे, फिर वो 10 मिनट बाद मन लिख के दिखा दी ना, मैं समझ गई भाई कि कचिंग पावर तो बढ़िया है। बाकी तीसरी तक की सारी चीज़ है ना मैं घर सिखा के लेगी। फिर मैंने घर छू जाए कोई जयंती होती, जहाँ विवेकानंद जयंती हुई और कोई जयंती हुई ना कराऊँ, तैयार करके भेजती और घर बुलाती मैं कि बेटा यहाँ बोल के तैयार कर लियो, यहाँ से कोई लाइन छूटनी नहीं चाहिए, यहाँ बेटा डर निकल जा, जा एक ये थोड़ा 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 स्टेज पर जा लगा। कुछ 5-5.5 साल का था, तो मैं गाना गा रहा था और कोई जो गाना था ए मेरे वतन के लोगों, और मैं गांव में ही गा रहा था यहाँ पे, और मैं रोते रोते स्टेज से उतर गया। तो उतरने के बाद मतलब अभी नॉर्मली आप क्या करोगे, मम्मी पापा क्या करेंगे कि हाँ अरे बेटा कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरे को ये सब चीज़ें बोला नहीं, उन्होंने मेरे को बोला कि तू रो क्यों रहा है, मतलब वापस जा स्टेज पर और गाना खत्म करके। तो उन्होंने वो मेरे को एटीट्यूड ही वैसा दिया। फिर के इन खेल का मारुचि जब मारे मेरे थे दूध दाद बेचता करता ना, हमारे घर बच्चा आता ना, बहन थोड़ा थोड़ा खिलाता, मैं खिलाती आन, जहाँ खेलने शुआ की रुचि बढ़ गई। फिर के वह कह जे मेज कोई छुट्टी छाटी होती ना, कठिन घूमने जाता नहीं, जहाँ अनशागे ले जाता, जहाँ थोड़ी थोड़ी एक ही के घूमन में कोई चीज़ देखने में यहाँ रुचि होगी। मेरे को मजा आता है, मतलब मेरे को जैसे ट्रैकिंग करने में मजा आता है, मेरे को स्पोर्ट्स खेलने में मजा आता है, मेरे को आप 10 घंटे मतलब बोलो कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, मेरे को मजा आता है। स्कूल तो क्या वह क्या एक भैया गाइड ही, बाकी घर में सारी चीज़ें आपकी कॉपी सारी चीज़ चेक करती, मतलब 12वीं तक 10वीं तक तो मैं नॉलेज हो, लेकिन 12वीं तक भी जहाँ सीकर गया माँ के सागे गई तो भी मैं यहाँ देखती कॉपी में हड़कुस और टिकर की कह बच्चा 10 या 15 पन्ना रफ के रूप में भरे हैं, कौन भरे कत्ता पढ़ रहे हैं की कर रहे हैं, कोचिंग तक जहाँ माँ के आगे पीछे रहती है के तैयारी करें के कोई नहीं करें। और मेरा बच्चा बहुत मतलब दोनों ओबीडेंट था, मैं जहाँ जहाँ कहती ने बया कोई काम कर लेता, बाकी ए मत्तशियों कोई बात को नहीं, ठीक है होशियार हा कैचिंग पावर बढ़िया हो, लेकिन मैं गाइड करती ने मेरा बहुत ओबीडेंट था और मेरा पीछे पीछे अब भी लेफ्टिनेंट बन गए, लेकिन मेरे पीछे पीछे फिर हो इन खुद ने ज्ञान गोनी के अपन करनो के है। इसलिए रिजल्ट आया तो फिर उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक बार इससे पहले भी एक इंटरव्यू था जब मैं बहुत श्योर था, तो मैंने बोला कि मेरा हो जाएगा, फिर मेरा हुआ नहीं, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, रिजल्ट आया तो वो काफ़ी खुश थे कि फाइनली उनका, देखो हमेशा एक ही चीज़ है, जैसे मैं बाकी पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि आपको भी ये करना है कि आपको ये समझना है कि आपके बच्चे कैसे हैं। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे बच्चे को ये करना है, उनके जो ड्रीम्स थे वो अलग थे, बट उनको हमेशा जैसे 12वीं के बाद मतलब मम्मी पापा को मेरे को डॉक्टर बनाना था, बट मैंने बोला कि मेरा डॉक्टर मेरे को नहीं बनना है, मेरे को इंजीनियरिंग करना है, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो आप ये चीज़ देखो कि आपका बच्चा जो आपको बोल रहा है ना, उसके अंदर वो चीज़ें को करके दिखाएगा, आप उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो। तो उन्होंने भी ये ट्रस्ट किया मेरे पे। जॉब के अंदर भी मेरे को हमेशा यही चीज़ बोल के रखा कि कोई बात नहीं है, तेरे को जो करना है तो कर ले। और फाइनली जब मेरे को मिला तो वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि चलो इसको आर्मी मिल गया, ऑफिसर बन गया, वो इस चीज़ से खुश थे कि ये फाइनली इसको जो करना था वो ये कर रहा है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है।